धीरे धीरे इंडिया में लोग 100 सीसी से 125 सीसी पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सात ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि 125 सीसी के साथ आती है और आपको एक बेहतरीन पैकेज भी प्रोवाइड करवा देती है। हालांकि वीडियो दो पार्ट में आने वाले, पार्ट वन आज और दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। पार्ट वन और पार्ट टू करने का मेरा यही मतलब था कि आज के वीडियो में जो आपको बाइक देखने वाली है वो सारी की सारी कम्यूटर सेगमेंट बिलोंग करती है और इंडियन रोड्स पे ज्यादातर आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरे पार्ट में ऐसी बाइक्स बताने वाला हूँ जो कि कम्यूटर के साथ साथ आपको एक स्पोर्टी फीलिंग यानी कि एक स्पोर्टी फील भी आपको दे देने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक के देखिएगा और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो जो हमारी आज की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे वो है होंडा की SP125। अब हम बात कर ले इस बाइक के लुक्स के बारे में, तो लुक्स पहले से ज्यादा इंक्रीज कर दिए गए हो और साथ ही में एक नया प्रोडक्ट मार्केट में होने की वजह से, यानी कि इसे बेसिकली बनाया तो शाइन एसपी पर से ही गया है लेकिन इसका नाम रखा गया है SP125। अब इसमें आपको शार्प लुकिंग मिल जाती है, बेहतरीन एरोडायनेमिक पोजीशन मिल जाती है, माइलेज भी पहले के मुकाबले ज्यादा मिलने वाली है। और अगर हम बात कर ले इसमें एडिशनल फीचर्स क्या ऐड हुए हैं शाइन एसपी जो पुरानी आती थी उसके मुकाबले, तो यहाँ पे हम बात कर ले तो इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर आपको मिल जाता है, रियर टायर रोलिंग भी कम होने वाला है, एरोडायनामिक पोस्चर बेहतरीन हो जाता है, साथ ही में एक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड कर देती है और सारे ही सारी लाइट्स आपको LED प्रोवाइड हो जाएगी इंडिकेटर को छोड़ के, यानी कि रियर और टेल लैंप आपको LED प्रोवाइड कर दी गई हुई है SP125 में। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ चले जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है 125 सीसी का इंजन जो कि आपको 10.7 HP हॉर्स पावर की पावर प्रोवाइड कर देगा और साथ ही में 10.9 नैनोमीटर का बेहतरीन टॉर्क प्रोवाइड कर देगा। इसमें भी आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाले हैं जैसे कि पुरानी शाइन SP125 में आते थे। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग मैं आपको तीन या चार वेरियंट है सभी की तो नहीं बताऊंगा लेकिन स्टार्ट टू एंड प्राइस अगर हम बता दें, यानी कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल की प्राइस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ये बाइक आपको एक्स शोरूम दिल्ली के मुताबिक ये बाइक आपको 73,000 से शुरू होकर 73,000 से स्टार्ट होकर आपको 78,000 के बीच में इसके सारे ही डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट तक सभी वेरिएंट आपको मिल जाने वाले हैं। तो अब चलिए हमारी दूसरी बाइक की तरफ चलते हैं, ये भी एक होंडा की तरफ से प्रोडक्ट है, तो चलिए हमारी चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ। आज की लिस्ट में हमारी दूसरी बाइक है वो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल थी, वो भी एक होंडा की प्रोडक्ट है, यानी कि आप सही सोच रहे हैं होंडा की शाइन SP125। अब अगर हम इस बाइक के बारे में बात कर ले तो इसमें जो SP125 आती थी उससे कम स्पोर्टी लुक तो प्रोवाइड करवा दिया जाता है लेकिन यहाँ पे कंपनी ने इसके ना ही LED यानी कि इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर की तरफ काम किया और ना ही इसके हेडलैम्प की तरफ काम किया। यार इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प और वही एनालॉग पुराने टाइप का जो हमारा स्पीडोमीटर आता था वही मिल जाने वाला है। अब अगर हम बात कर ले इसे स्पेसिफिकेशन यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है 125 सीसी का इंजन और साथ ही में आपको दे देगा 10.5 PS की पावर और साथ ही में 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम बात कर ले गियरबॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको पहले से 5 स्पीड गियरबॉक्स एक अवेलेबल कंपनी की तरफ से करवा दिया गया। हालांकि ये बाइक भी इंडियन की बहुत ही फेवरेट बाइक है लेकिन अब SP125 होंडा अपनी अपनी बाइक में कंपटीशन कर रहा है। पहले शाइन निकाली, अब शाइन SP125, उसके बाद SP125 यानी कि शाइन के तीन स्पोर्टी वर्जन आपको अब मार्केट में मिल जाने वाले। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको एक्स शोरूम दिल्ली के मुताबिक ये बाइक आपको 67,000 से लेकर 72,000 बीच में मिल जाने वाले। हालांकि इसकी प्राइसिंग 5,000 रुपए SP125 के जो मॉडल है उससे कम है लेकिन यहाँ पे भी फीचर्स भी बहुत ही कम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं, इसकी वजह से उसकी प्राइसिंग 5,000 प्लस रखी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी इस लिस्ट की थर्ड बाइक की। अभी अभी बात की कि होंडा की दो बाइक्स जैसे 125 सीसी में वो बेहतरीन थी, अब हम चलते हैं हीरो की तरफ कि हीरो के पास वो कौन सी दो बाइक्स है जो 125 सीसी इंजन के साथ आती है और आपको बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए चलते हैं हमारी थर्ड बाइक यानी कि हीरो की ग्लैमर की तरफ। तो इस बाइक का जो रियर टायर है वो आपको दोनों ही बाइक्स के मुकाबले यानी कि 125 सीसी में सबसे बड़ा रियर टायर आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें हीरो या होंडा की बाइक्स में, तो यहाँ पे आपको ग्लैमर सबसे बड़ा रियर टायर प्रोवाइड करवाती है जिससे कि आपकी रोड ग्रिप जो होगी टायर की वो अच्छी खासी और आपकी बाइक की स्टेबिलिटी भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर प्रोवाइड करवा दिया जाता है और साथ ही में ये बाइक आपको FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और साथ ही में हीरो के i3S टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है जिससे कि अगर आप ट्रैफिक में हो गए तो वहां पे आपकी बाइक 7 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर जैसे आप आपकी बाइक का क्लच प्रेस करेंगे आपकी बाइक ऑटोमेटिक
स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक ऑटो सेल टेक्नोलॉजी भी आपको इस बाइक में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो अब हम चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 125 सीसी का इंजन, जो कि आपको निकाल के देता है 10.7 पीएस की पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि होंडा की दोनों ही बाइक से कम है। लेकिन ये इंजन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इसमें 2-valve इंजन यूनिट आपको दे दिया गया और यहाँ पे भी आपको 5-speed गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये अच्छी बात है कि सारी कंपनियां सोच रही है कि अब हमारे 125 सीसी वाली बाइक में कुछ तो अपग्रेड होना चाहिए, इसलिए सारी कंपनी ने अपनी बाइक्स में 5-speed गियरबॉक्स दे दिया गया है। सारी बाइक्स 125 सीसी के साथ जो आती है, सिवाय शाइन का जो पुराना मॉडल हमारे यहाँ पे आता है उसके सिवाय सारी शाइन या जो हीरो की बाइक से वहां पे आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं। अब अगर हम बात कर ले इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ग्रैमर की प्राइस अपडेट नहीं हुई। जैसे इसकी प्राइस अपडेट होगी मैं आपको जरूर से बता दूंगा अपने किसी और वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक की तरफ। हमारी नेक्स्ट बाइक है वो इंडिया की मोस्ट फेवरेट 125 सीसी बाइक में तो आती है, साथ ही में आपको रोड पे भी ज्यादातर देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब हीरो ने इसका जो मॉडल है उसे बहुत ही बेहतरीन कर दिया। आप सही सोच रहे, जो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है वो है हीरो की सुपर स्प्लेंडर। हालांकि ये तीनों बाइक से कम पावर प्रोवाइड करवाती है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि इन तीनों बाइक से अच्छे आपको मिल जाते हैं। तो इस बाइक के अगर हम एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाती है हीरो के ITS टेक्नोलॉजी प्लस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यानी कि इसकी माइलेज आपको तीनों ही बाइक से अच्छी मिलने वाली है। इसकी माइलेज जो कंपनी क्लेम है वो बात कर ले तो यहाँ पे आपको 65-70 की माइलेज ये बाइक प्रोवाइड करवा देगी। साथ ही में यहाँ पे लॉन्ग सीट प्रोवाइड हो जाएगी, आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, बेटर एरोडायनामिक पोजीशन भी आपको इस बाइक में प्रोवाइड करवा दी गई है अब हीरो की तरफ से। हालांकि इसका पुराना मॉडल आता था वो भी काफी इंडियनों को यार काफी पॉपुलर भी था, लेकिन इसमें अभी कुछ चेंजेस की जरूरत थी जिसे हीरो ने नोटिस किया और इस बाइक को फुल्ली अपडेट करके आपके साथ BS6 नॉर्म्स के साथ रख दिया गया है। अब अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको सेम 125 सीसी का इंजन मिल जाएगा, जो कि 10.9 पीएस की पावर और साथ ही में 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर देने वाला। और इसमें भी आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा। अगर हम प्राइसिंग की बात कर ले तो इसमें दो वेरिएंट है। इसमें जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है वो आपको मिल जाने वाला है 67,300 रुपीस में, और इसका जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट आता है, पहले इसमें डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं था लेकिन अब कंपनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए इसमें आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट दे दिया। और अगर हम बात कर ले इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के बारे में तो ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट आपको मिल जाने वाला है 70,800, यानी कि दोनों ही मॉडल की प्राइसिंग में सिर्फ 3,000 रुपए का ही चेंजेस। ये बहुत ही अच्छी एक पहले हीरो की तरफ से। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन हिट करना ना भूले।